हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं समसामयिक की घटना चक्र 2019 को जो वार्षिकांक आई थी। इसमें हम लोग बात कर चुके हैं राष्ट्रीय परिदृश्य, विधिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग देख चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब बात कर रहे थे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विकिरण के बारे में। इसमें हम लोग पिछले लेक्चर तक खत्म कर चुके हैं वैश्विक शांति सूचकांक तक। इसमें बात करने वाले हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में। इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं वो सभी आपको समसामयिक की घटना चक्र 2019 जो सूची बनी हुई है उसी में मिल जाएंगे। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भौतिकी, रसायने, चिकित्सा, शांति, साहित्य शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं। जबकि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थ शास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्विरिजेस रिस्क बैंक स्वीडन का केंद्रीय बैंक है 1968 में की गई। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया। वर्ष 1901 से ही प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी कि 10 दिसंबर को आयोजित समारोह में विजेताओं को नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार के अतिरिक्त सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं, जबकि नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिए बाकी के 5 स्टॉकहोम स्वीडन में मिलते हैं, शांति का केवल ओस्लो में मिलता है। ठीक है, बात करते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 का किसे मिला है। 14 अक्टूबर 2019 को स्टॉक स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2019 हेतु अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया है, जिनमें अभिजीत बनर्जी, एस्थर डब्लो, माइकल केमर हैं। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को वैश्विक गरीबी उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण हेतु पुरस्कृत किया गया। इन अर्थशास्त्रियों के नवीन प्रयोग आधारित दृष्टिकोण ने मात्र 2 दशक में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को बदल कर रख दिया है, जो अब अनुसंधान का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी वर्तमान में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुप्लो द्वारा लिखित पुस्तक है पुअर इकोनॉमिक्स। पूछा जा सकता है पुअर इकोनॉमिक्स किसकी किताब है, तो याद रखना अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुप्लो को गोल्डन मैन सेक्स बिजनेस बुक ऑफ द ईयर चुना गया है नामक पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। श्री बनर्जी और एस्थर डफलो द्वारा लिखित एक नई पुस्तक गुड इकोनॉमिक्स फॉर हायर टाइम्स है। उल्लेखनीय वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में शामिल न्यूनतम आय योजना को तैयार करने में श्री बनर्जी से सलाह ली थी। फ्रांसीसी अमेरिकी की 46 वर्षीय महिला एस्थर डुप्लो अभिजीत बनर्जी की पत्नी है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के 50 वर्षों के इतिहास में इस पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली सबसे युवा अर्थशास्त्री हैं। इससे पूर्व अमेरिकी अर्थशास्त्री केनेथ जे एरो को 51 वर्ष की आयु में वर्ष 1972 में पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त एस्थर डुप्लो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली दूसरी महिला हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी की एलिनोर ओस्टम अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली प्रथम महिला हैं। याद रखिए क्या नाम है, एलिनोर ओस्टम, इन्हें याद रखिए। अभिजीत बनर्जी एस्थर डुप्लो ऐसे 5वें विवाहित दंपत्ति हैं जिन्होंने एक साथ एक ही विधा में नोबेल पुरस्कार जीता है। इस दृष्टि से 4 विवाहित दंपत्ति की बात करें तो पियरे क्यूरी, मैरी क्यूरी वर्ष 1903 में भौतिक विज्ञान के, फ्रेडरिक जोलियट एरियन जोलियट क्यूरी वर्ष 1935 में रासायनिक विज्ञान में, कार्ल फर्डिनेंड कोरी गर्टी थेरेसा कोरी वर्ष 1947 चिकित्सा विज्ञान में,
एडवर्ड आई मोसर में ब्रिट मोसर वर्ष 2014 चिकित्सा विज्ञान में, ज्ञातव्य कि स्वीडन के विवाहित युगल गुन्नार मेडल अलवा मेडल भी नोबेल पुरस्कार भी जीता है, लेकिन अलग अलग वर्षों में दो अलग अलग विधाओं में इन्होंने पुरस्कार जीता है। अब बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार 2019 के। दो 11 अक्टूबर 2019 को ओस्लो नॉर्वे में द नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस वर्ष यह पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को प्रदान किया गया। किन्हें? इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को। उन्होंने यह पुरस्कार शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करने के उनके सहयोग उनके प्रयासों और विशेष रूप से पड़ोसी देश इरिटिया के साथ सीमा संबंधी विवादों का समाधान करने की उनकी निर्णायक पहल के लिए प्रदान किया जाएगा। साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2018-19 का दिया गया। अभी उसमें बात करते हैं, 10 अक्टूबर 2019 को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडन अकेडमी द्वारा वर्ष 2018 एवं वर्ष 2019 हेतु साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। वर्ष 2019 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रेलियाई लेखक पीटर हैंड के को प्रदान किया गया। उन्हें भाषाई सरलता के साथ मानवीय अनुभवों की परिधि एवं विशिष्टता का अन्वेषण करने के प्रभावी कार्य हेतु पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2018 हेतु साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पोलैंड की लेखिका ओल्गा टोकारजुक को पुरस्कृत किया गया। उन्होंने अत्यधिक जुनून के साथ जीवन के एक स्वरूप की तरह सीमाओं को लांघने का प्रतिनिधित्व करने वाले एक कथात्मक परिकल्पना हेतु पुरस्कृत किया। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 में उन्हें उनके उपन्यास फ्लाइट्स के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2019 9 अक्टूबर 2019 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस द्वारा वर्ष 2019 हेतु रसायन विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए। इस वर्ष का पुरस्कार तीन विज्ञान को कुमला है, जॉन बी गुडेनफ, एम स्टैनली विटिंगम, अकीरा यूशिनो को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार लिथियम आयन बैटरी के विकास में इनके योगदान हेतु दिया गया है। तो आपको याद रखना है किस क्षेत्र में दिया गया है इन्हें, लिथियम आयन बैटरी के विकास में इनके योगदान के लिए। किन किन को? जॉन बी गुडेनफ, एम स्टैनली विटिंगम, अकीरा यूशिनो। उल्लेखनीय है कि हल्की रिचार्ज की जा सकने वाली तथा शक्तिशाली लिथियम आयन बैटरी का उपयोग आजकल मोबाइल फोन लैपटॉप तथा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों तक में किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि 97 वर्षीय जॉन बी गुडेनफ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, याद रखिए जॉन बी गुडेनफ। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड अमेरिकी वैज्ञानिक आर्थन अस्किन के नाम था, जिन्हें 96 वर्ष की आयु में वर्ष 2018 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2019 के बारे में। 8 अक्टूबर 2019 को स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा 2019 हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति और ब्रह्मांड की स्थिति की उत्पत्ति के संबंध में नई समझ विकसित करने के योगदान हेतु कुल तीन वैज्ञानिकों को दिया गया। पेंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका से संबद्ध कनाडाई मूल के वैज्ञानिक जेम्स पीबल्स को भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सिद्धांतिक खोजों हेतु दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्विस वैज्ञानिक दे मेसेल मेयर तथा डीडीएर क्यूलोज को एक सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा कर रहे एक बाही ग्रह की खोज के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि मिशेल मेयर तथा डीडीएर क्यूलोज ने अक्टूबर 1995 में पहली बार सौर प्रणाली के बाहर किसी ग्रह की खोज करने में सफलता प्राप्त की थी। बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2019 वाला। तो 7 अक्टूबर 2019 को स्वीडन में वर्ष 2019 हेतु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस वजह से पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र के तीन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। ये तीन है विलियम जी कायलिन जूनियर,
सर पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेग एल सिमेंजा, ठीक है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने यह खोज की कि कोशिकाएं किस प्रकार ऑक्सीजन की उपलब्धता को महसूस और उनके उसके प्रति अनुकूल करती हैं। इन तीनों ही वैज्ञानिकों को ऑक्सीजन के बदले स्तर की प्रक्रिया स्वरूप जीनों की गतिविधियों को विनियमित करने वाली आणविक मशीनरी की पहचान करने के उनके कार्य हेतु पुरस्कृत किया जाएगा। इन तीनों चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज शरीर की या विज्ञान हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इससे एनीमिया कैंसर तथा बहुत से ऐसे रोगों के उपचार हेतु नई रणनीति बनाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। आगे बात करते हैं मोरितानिया में पहला लोकतांत्रिक सत्ता हस्तांतरण हुआ है। पश्चिमी अफ्रीकी देश मोरितानिया की आबादी लगभग 43 लाख और क्षेत्रफल इसका 4 लाख वर्ग मील। इस देश की प्रमुख भाषा है अरबी एवं फ्रेंच। इसके साथ ही देश की बहुसंख्यक आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। ज्ञातव्य है कि मोरितानिया प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद गरीब और भुखमरी से पीड़ित है। हाल ही में मोरितानिया के में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद अहमद ओल्ड गजोनी ने 52% मत प्राप्त विजय हासिल की है। 1 अगस्त 2019 को मोहम्मद अहमद ओल्दी गजोनी ने मोरितानिया के 9वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। गौरतलब है कि वर्ष 1960 में मोरितानिया को फ्रांस से आज़ादी मिली थी। उसके बाद से क्रमशः वर्ष 1978, 84, 2005 और वर्ष 2008 में सैन्य तख्ता पलट के द्वारा ही इस देश में सत्ता हस्तांतरण हुआ है। गौरतलब है कि मोरितानिया वर्ष 1981 में देश में दास्ता समाप्त करने वाला अंतिम देश है। हालांकि यहां दास्ता गुलामी प्रथा आज भी बदस्तूर है। बात करते हैं हम लोग वर्ष 2007 में दास्ता को बढ़ावा देने वाले तथ्यों के विरुद्ध आपराधिक कानून पास किया गया था, लेकिन अभी तक यह कानून पूरी तरह से और प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया जा सका। बात करते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 के बारे में। वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन वर्ष 2007 से प्रतिवर्ष इनसीड द बिजनेस स्कूल और द वर्ल्ड कॉर्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। 24 जुलाई 2019 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 जारी किया है। इस सूचकांक में 12वां वार्षिक संस्करण है। यह पहला अवसर है जब वैश्विक नवाचार सूचकांक को किसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में जारी किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 का मुख्य विषय है स्वस्थ जीवन का सृजन, चिकित्सा में नवाचार का भविष्य आदि। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में 129 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार प्रदर्शन को मापने के लिए 80 संकेतकों का प्रयोग किया गया है। इस रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड स्कोर 67.24 को विश्व का सर्वाधिक नवाचारी देश घोषित किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में शीर्ष 5 देश हैं। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे, अमेरिका तीसरे, नीदरलैंड चौथे, यूनाइटेड किंगडम 5वें। और निम्न की बात करें तो अंतिम 3 हैं, यमन 129, बुरुंडी 128, नाइजर 127। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत को 52वां स्थान मिला है। स्कोर है इसका 36.6। विगत वर्ष 2018 में 97वां स्थान था। याद रखिए 2019 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में 52वां स्थान है। यदि क्षेत्रीय संदर्भ में देखा जाए तो भारत मध्य एवं दक्षिण एशिया में शीर्ष नवाचारी देश हैं। भारत को विश्व के शीर्ष वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर की गिल रैंकिंग में भी शामिल किया गया। बेंगलोर, मुंबई तथा नई दिल्ली विश्व के शीर्ष 100 क्लस्टर्स में शामिल हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 जो आया है। जुलाई 2019 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान सिंगापुर की पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली है। गौरतलब है कि यहाँ पर शक्तिशाली पासपोर्ट से आशय किसी देश के नागरिक को पूर्व स्वीकृत वीजा के बिना कितने देशों में आने जाने की छूट होती है। इस सूची में सबसे पहले स्थान पर काबिज 2 देशों जापान और सिंगापुर का स्कोर है 189।
इसका तात्पर्य है दो देशों के नागरिकों को 189 देशों में जाने के लिए पहले से वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है। इस सूचकांक में 199 देशों का पासपोर्ट और सूक्ष्म राज्यों एवं क्षेत्रों से 227 यात्रा गंतव्यों स्थानों को शामिल किया गया है। भारत को इस सूचकांक में मोरातानिया एवं साओ टोमो और प्रिंसिपे के साथ 86वें स्थान पर रखा गया है 58 स्कोर के साथ। भारत के अतिरिक्त विकसित देशों की बात करें तो ब्राजील 18वें स्थान पर है, रूस 51, दक्षिण अफ्रीका 54 और चीन 74वें स्थान पर है। ठीक है, बात कर लेते हैं सऊदी अरब FATF की सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश बन गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स विकसित देशों की अगुवाई में गठित एक अंतर सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाना है। यह संस्था मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने में नाकाम देशों की दो लिस्ट, पहले ग्रे और दूसरी ब्लैक तैयार करती है। गौरतलब है कि ग्रे लिस्ट में शामिल देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से आर्थिक मदद मिलने में मुश्किल होती है, जबकि ब्लैक लिस्ट में आने वाले देशों की आर्थिक सहायता पूरी तरह बंद कर दी जाती है। ठीक है, जून 2019 को सऊदी अरब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑरलैंडो फ्लोरिडा में इस संस्था की तीसरी वार्षिक बैठक में सऊदी अरब 39वां सदस्य बना है इसका। इससे पहले 2004 से सऊदी अरब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सहयोगी संस्था मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका का संस्थापक सदस्य रहा है। 2015 के आरंभ में सऊदी अरब को FATF की ओर से बतौर पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। आतंकी वित्त पोषित मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन नहीं करने और गैर अनुपालन के कारण 23 अगस्त 2019 को पाकिस्तान को FATF की एशिया प्रशांत समूह की काली सूची में डाल दिया गया। उल्लेखनीय है कि जून 2018 से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। अक्टूबर 2019 में श्रीलंका को गे सूची से बाहर कर दिया गया है। ठीक, आगे बात करेंगे हम लोग अमेरिका द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आतंकी संगठन घोषित किया गया है। ठीक,